हो दरकार, रहमते हक यही महीना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। और आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा न्यू ब्लॉग लेकर आई हूँ, शायरी का। आप लोगों के लिए शूट किया था, आप लोगों के साथ शेयर करना था, और साथ एक छोटी सी रेसिपी चटनी थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो मेरी। तो पहले वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आए तो कमेंट्स करें और लाइक करें, शेयर भी करें, और साथ साथ मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। और मुझे बहुत सपोर्ट आप लोगों की ज़रूरत है सपोर्ट की, तो मुझे सपोर्ट करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को वॉच करें जी। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने कैमरा जो है वो थोड़ा दूर रख दिया था ताकि सही से कवर हो सके, और स्पीड थोड़ी बढ़ा दी ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी बनने, तो चाय में पत्ती वगैरह डाल रही थी मैं, और साथ जो है हलीम गर्म करने रख दी थी मैंने, हलीम थी। और पराठा बनाया था मैंने, अरसलान ने हलीम और पराठा खाया था। तो बस आटा ख़त्म हो गया था गूंधा हुआ, तो मैंने कहा चलो पहले आटा गूंध लूँ फिर पराठा बनाते हैं। तो बस आटा गूंध रही थी यहाँ पे मैं, तो इसके बाद मैंने पराठे बनाए हैं। और पराठे के साथ अब्बू का जो नाश्ता था वो स्लाइस टोस्ट करे थे अब्बू के लिए, और अंडा बनाया था। और मैंने शहरी में क्या लिया था ये मैं आपको आगे बताती हूँ वीडियो में। तो बस यहाँ पे ये स्लाइस टोस्ट हो रहे हैं टोस्टर में, और साथ ये आखिरी पराठा था, बस ये भी बन गया था। इसके बाद अंडे बनाए थे मैंने। बस यहाँ पे तकरीबन सब काम हो गया था, बस हलीम निकाल रही थी और साथ अरसलान को कह रही थी कि फटाफट जो है टेबल पे खाना रख दें, और किचन का थोड़ा बहुत काम तो उनका ये फटाफट समेट लूँ। और साथ ये मैंने अपने लिए फेनी बनाई थी, मैंने फेनी खाई थी। यहाँ पे मैं प्याले में फेनी ले रही हूँ, और साथ इसमें मैंने दूध गर्म कर दिया था, चीनी डाल के वो भी साथ डाल दिया इसमें। तो दूध में ही चीनी घोल ली थी मैंने, ये इसमें मैंने दूध डाल दिया। तो ये मेरी थी शहरी में जो मैंने खाया था, और साथ चाय बना ली थी। तो बस ये चाय निकाल रही थी मैं जी। तो यहाँ इफ्तारी का टाइम था, ये हरा धनिया मैंने ले लिया चटनी के लिए, और पुदीना लहसुन और हरी मिर्चें ले ली थी मैंने, साथ इमली का पानी ले लिया था, पानी गर्म करके उसमें इमली भिगो दी थी तो इमली का पानी आ गया था, और ज़ीरा ले लिया था मैंने। तो बस अब यहाँ पर मैं हरा धनिया डाल रही हूँ, पुदीना लहसुन। तो अफ्तारी का टाइम था, चटनी बनाई थी मैंने, सोचा चलो रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ चटनी की। तो मैंने शूट कर लिया थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए। तो बस यहाँ पे चटनी हमारी बन रही है। अब इसमें मैंने जो है ज़ीरा डाल दिया है 2 टेबल स्पून, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला, बस ये सब था। और साथ इसमें मैंने नमक डाल दिया था 1 टेबल स्पून, आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। ये इमली का पानी भी चला गया इसमें। जी तो यहाँ नमक भी चला गया है, और अब इसको अच्छे से पीस लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो यहाँ हमारी चटनी रेडी हो गई है, साथ मैंने नींबू डाल दिया था आधा इसमें, ताकि इसका कलर जो है चेंज ना हो, ग्रीन ही रहे, उन्हें तो अक्सर ब्लैक ब्लैक साउंड लग जाता है। और ज़्यादा शूट नहीं कर पाया इफ्तारी का मैं, इसलिए क्योंकि टाइम नहीं था, बस ये थोड़ा बहुत ही ये शूट किया है थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए। ये साथ पकौड़े बनाए थे आलू के प्याज के, और साथ ही अफ्तारी लग चुकी है टेबल पे, चाट थी, पकोड़े थे, समोसे, रोल। जी तो आप लोगों ने वीडियो को देख लिया होगा, आई होप आप लोगों को पसंद भी आई हो। पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दें, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चलें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।